उसके बाद आपको मैं आज सुबह का नमस्कार छात्रों, जैसा कि आज हम आपको पढ़ाएंगे डेरे डायबिटीज की सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु छात्रों को विज्ञान और रसायन विज्ञान के संयोजकता जो कि परमाणु संरचना पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ था, संयोजकता पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, जिसे अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता क्या होता है इसको देखिएगा बेटा। देखिए आपको बता दें, जो वैलेंसी शब्द है, वैलेंसी शब्द जिसका अर्थ होता है संयोजकता, यह लैटिन भाषा के, देख लेते हैं चालू रखिए, वैलेंसी संयोजकता या लैटिन भाषा के वैलेंसिया से लिया गया है। यानी संयोजकता जो होता है लैटिन भाषा के वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ कम्बिनेशन, कैपेसिटी ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन जुड़ने की क्षमता, यानी संयोजन क्षमता। यानी क्या होता है ये संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता, यानी कोई किसी के साथ कैसे जुड़ेगा। तो आपको हम बता दें, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है यही दो परमाणुओं के बीच में संयोजन करने का माध्यम होता है। मीन्स कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही बंध बनाता है, और कितने तेजी के साथ बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन देकर के बनाता है, उसे ही संयोजन क्षमता कहते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, बार बार जो परमाणु मॉडल में मैंने आपको जिक्र किया था, नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कोश होते हैं, ये आपके कोश हैं, और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। छात्रों हम आपको बता दें कि हर एक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है। बोर बरी का नियम कहता है, बोर बरी ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, बोर बरी के अनुसार अनुसार कोशों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोर बरी के अनुसार कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करने वाला फार्मूला है 2n2। क्या है 2n2? बोर बरी ने कहा कि कोई भी कोश हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह 2n2 के अनुसार भरे जाएंगे, और उन कोशों को जो संख्या मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, जैसे जैसे वह प्राप्त कर लेंगे वह अस्थायी होते चले जाएंगे, और इसी अस्थायी होने के लिए परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाता है। क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ा हुआ है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्यों वह स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता? वह स्वतंत्र अवस्था में इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि उसे अपने कोशों में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना है, उसको 2, 8, 18, 32, 18, 8 करना है। यदि यह बराबर 1 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, यदि n बराबर 1 ले लिया जाए तो आप यहां पे पाएंगे 2n² बराबर 2×1 का स्क्वायर, जहां n बराबर कोशों की संख्या है, जहां n बराबर क्या है, कोशों की संख्या है। ये तो अगर आप यहां पे करिए तो यह आपका 2 बताएगा,
कहते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि यह किसी संक्रिया नहीं करती, या किसी संक्रिया इसलिए नहीं करती है क्योंकि इनका अष्टक पूरा रहता है। अष्टक पूरा करने का मतलब यह होता है किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए और कम से कम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। परमाणु इसी इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के परमाणु के साथ संबंध बनाता है। और आपको बता दें, किसी भी परमाणु के पास जो संयोजन क्षमता होती है, जो संयोजन क्षमता होती है, कितने तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को देते हैं अलग सी बात है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है उसे है ना लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है उसे संयोग उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता, बाहरी इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाता है। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाता है। कोई भी परमाणु हो उसके सबसे बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही बंध बनाएगा और उसी के आधार पर ही उसकी संयोजकता, उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी। अब इस संयोजकता के आधार में, इस इलेक्ट्रॉन के शरीर के आधार में, इस बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिया में भाग ले रहे हो उसी के आधार पे हम आपको बंध पढ़ाएंगे और बंध के प्रकार पढ़ाएंगे। इसे राइट कर लीजिए। जैसे कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? एक हो जाएगी। यानी आप यहाँ प्लस कर दीजिए नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही कोष है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी? एक हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस एक है, वही इसका ऑक्सीकरण संख्या भी हो जाता है। हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस एक है। आपको हम बता दें कि जो संयोजकता होता है वह ऑक्सीकरण संख्या भी होती है, क्योंकि परमाणु कितना निकालेगा। तो आया एक प्रकार से आपको हम ये भी बता दें कि रिडायन की बात नहीं कर पाएंगे, हम घनायन की ही बात करेंगे। संयोजकता निकला हुआ होता है,
या जैसे हम आपको कुछ धनायन ऋणायन दिखा देते हैं, धनायन के अक्षर जो भी आवेश होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे हम आपको दिखा दें यज के ऊपर एक प्लस होता है हाइड्रोजन, धनायन के रूप में ना, लिथियम के ऊपर भी एक प्लस होता है, ये आपके आयन चल रहे हैं, ये इनकी संयोजकता भी हो सकती है। सोडियम के ऊपर भी एक प्लस होता है, सोडियम धनायन नहीं है। अब आपको बारी बारी से बहुत सारे बताएंगे धनायन को, जैसे H3O है एक प्लस है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जब किसी के ऊपर एक प्लस आ जाता है तो उसके नाम के बाद में यम शब्द लग जाता है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोनियम। जैसे अमोनिया है लेकिन एक प्रोटॉन जैसे ही आ गया तो NH4 हो गया एक प्लस, तो इसका नाम क्या हो गया अमोनियम हो गया, यह क्या है अमोनियम। जो अपवादित धनायन है मैं आपको दिखा रहा हूं है कि नहीं, जैसे आपके पास आ गया Ca2+, आयन भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी आपकी एग्जाम में आयन भी पूछ लेता है कि नहीं, आयन पूछ लेता है तो आयन आपको याद रहना चाहिए। जैसे Ca2+ हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हमारे आयन चल रहे हैं, ठीक है। संयोजकता की बात चल रही आयन की, Ca2+ हो गया। जैसे हम आपको बता दें कि H3A+ है, तो इसे हम मार्किनस, यही आयन जो चल रहा है इसकी संयोजकता भी हो जाती है, मार्किनस हो गया, क्या हो गया मार्किनस, H3A+ मार्किनस हो गया, H3O+ हो गया, मार्किनिक हो गया, यदि अब नहीं आता है, एक मार्किनस होता है एक मार्किनिक होता है, यदि H2Cl2 जिसे हम कैलोमर कहते हैं, कैलोमर रासायनिक नाम में इसका होता है मार्किनिक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। उसके बाद आता है H3Cl2, सॉरी यहां पे गलत हो गया, मर्क्यूरियस क्लोराइड, मर्क्यूरियस क्लोराइड है ये, H3Cl2 कोरोसिव सब्लिमेट इसको कहते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट में मर्क्यूरी क्लोराइड भी कहा जाता है। कोरोसिव सब्लिमेट में क्या कहता है मर्क्यूरी क्लोराइड, CuCl, ये CuCl ना करिएगा Cu1+ करिए, Cu के ऊपर 1+ है तो यह होगा Cuprus, और Cu के ऊपर 1-2+ आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा Cuprid, तो Cu के ऊपर 1+ है तो Cuprus, Cu के ऊपर 2+ है तो Cuprid ना, यमे के ऊपर है यदि 2+ है तो मैगनस, ऐसे संयोजकता है इसकी, यमे के ऊपर अगर 4+ है तो यह मैगनिक, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, एफई के ऊपर 2+ है तो इसे हम फेरस कहेंगे, और एफई के ऊपर यह 3+ है तो इसे हम फेरिक कहेंगे,
एक ऊपर यदि एक प्लस है जैसे हम आरस कहेंगे, एक ऊपर यदि दो प्लस है तीन प्लस है जैसे हम आर्क कहेंगे, ऊपर यदि दो प्लस है जैसे हम स्टेनस कहेंगे, और एसियन के ऊपर यदि चार प्लस है तो इसे हम स्टेरिक कहेंगे। तो ये तरीका रहा, ठीक है, अब आप रिवाइज करते रहेंगे। ये भी संयोजकता में ही आते हैं, जिसके ऊपर जितना धनायन होता है वही संयोजकता हो जाती है। जैसे यदि एल्युमिनियम के ऊपर तीन प्लस है तो एल्युमिनियम की संयोजकता क्या आ जाएगी, तीन आ जाएगी। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है लेकिन ऊपर एक प्लस, अभी ऊपर एक प्लस, हाइड्रोनियम आयन है वही ऊपर एक प्लस, ये दो प्लस। एचसी के ऊपर एक प्लस है तो मर्क्यूरस हो जाता है, एचसी के ऊपर दो प्लस है तो मर्क्यूरिक हो जाता है, एचडी टू सीएल टू लिखा है तो कैलोमर हो जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाता है, एचडी सीएल टू है तो करोसिव सब्लिमेट मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा, सी वन प्लस है तो पिक्रस हो जाता है, सी दो प्लस है तो यह पिक्रिक हो जाता है, एम एन दो प्लस है तो मैग्नस हो जाता है, एम एन चार प्लस है तो मैग्निक हो जाता है, एफ आई दो प्लस है तो फेरस हो जाता है, एफ आई तीन प्लस है तो फेरिक हो जाता है, ए वन प्लस है तो आरस हो जाता है, ए तीन प्लस है तो आरिक हो जाता है, ऐसे दो प्लस है तो स्टेरस हो जाता है, या सी एन चार प्लस है तो स्टेरिक हो जाता है। देखा बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे आप राइट कर लीजिए, आयन है ये, यही संयोजकता है। अब उसके बाद हम इसके आधार पर बंध बनाने की क्षमता बताते हैं। अब हम आपको बंध बनाने की क्षमता बताएंगे कि बंध कैसे बनते हैं। बंध मीन्स होता है बॉन्ड, इसे हम रासायनिक बंध भी कहते हैं। जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग तो संयोजन क्षमता के ही आधार पे होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। इसकी अंग्रेजी है केमिकल बॉन्डिंग। कैसे होगा ये देखिएगा, रासायनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर बंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर बंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम मान करके चलिए सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध ठीक है, सहसंयोजक बंध जिसे हम कोवेलेंट बंध कहते हैं, कोवेलेंट बंध। छात्रों आपकी सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है और यह बिल्कुल आएगा, बंध तो जरूर आएगा, इसका नोट कर लीजिएगा। संयोजकता के अंतर्गत भी यही आता है, सहसंयोजक कोवेलेंट बंध। जब दो परमाणुओं के बीच में, जब दो या दो से अधिक, भाई बिना दो परमाणु का तो बंध बनेगा नहीं, अकेले से क्या हो सकता है, दोस्तों बनना चाहते हैं अकेले कहां से बन सकते हैं, आपके साथ कोई और रहेगा तभी तो होगा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर, जब दो या दो से अधिक अधिक परमाणुओं के बीच में, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर
इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, साझेदारी हो, तो उन दो परमाणुओं के बीच बने बंध को, तो उन दो परमाणुओं के बीच बने बंध को, सहसंयोजक बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवेलेंट बंध कहते हैं। छात्रों सेकंड सेमेस्टर वाले थोड़ा ध्यान दें इस बात को, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो तो उन दो परमाणुओं के बीच बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी होगी, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी क्यों होगी, क्योंकि वह दोनों परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे। तो दोनों परमाणुओं के बीच में यदि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो तो साझेदारी के द्वारा जो बीच में बंध बनता है, किसके बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध की प्रकार, सहसंयोजक बंध के प्रकार, ठीक है, सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो प्रकार की बात करते हैं हम, सहसंयोजक बंध के प्रकार की बात करते हैं। तो सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का होता है ये देखिएगा, एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध और द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया पॉइंट डाल दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, पॉइंट वाला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, और तीसरा क्या हो गया, त्रिक सहसंयोजक बंध ना, त्रिक सहसंयोजक बंध। तो पहला हो गया एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा हो गया द्विसहसंयोजक बंध, और तीसरा क्या हो गया, त्रिक सहसंयोजक बंध। तो बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं कि एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, द्विसहसंयोजक बंध क्या होता है, और त्रिक सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब देखिए हम बारी बारी से आपको एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक, त्रिक सहसंयोजक बंध बताते हैं ना। तो देखिए कैसे बताएंगे हम, यहां पर देखिए जैसे एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है, एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है ये देखिएगा छात्रों, जब दो परमाणुओं के बीच में, जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो तो वहां पर एकल सहसंयोजक बंध बनता है, एकल सहसंयोजक, तो वहां पर एकल सहसंयोजक बंध बनता है ना। जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो तो वहां पर क्या बनता है, एकल सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे
पीएचसीएल। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हो गया। और सीएल के कितने होते हैं? 17 सीएल, तो क्या होगा? 2, 8 और 7। तो बाहरी कोश में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? एक। और सीएल के कितने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस सीएल ने इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके कितने हो गए? 8 हो गए ना। और इस हाइड्रोजन ने इसे ले लिया, इसके कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक अंशा संयोजक बंद होगा। तो इस तरह से हमने आपको बैलेंसी में संयोजकता चैप्टर में मैंने आपको संयोजकता की परिभाषा बताया, धनात्मक को बताया। हमने कहा कि किसी भी परमाणु के जो धनायन होते हैं, जो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही उसके धनायन हो जाते हैं, और यही धनायन ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जितने भी केटायन होंगे उसके ऊपर जितने चार्ज होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाती है, और इसी संयोजकता के आधार पर ही हम बंध बनाते हैं। और बंध जो बनाया जाता है वह इलेक्ट्रॉनों की शैली के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन के आधार पर किया जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि जो संयोजकता होती है वही इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी होती है, और इसी आधार पर ही बंध बनता है। और बंध बनने के आधार पर बंध बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर बंध बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था संयोजक बंध क्या है और उसके क्या प्रकार है। उस प्रकार में मैंने पहला प्रकार बता दिया, एक संयोजक बंध, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl में हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लिया है और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया। इस तरीके से दोनों के बीच में एक बंध बनता है, जिसे हम एक संयोजक बंध कहते हैं। अब मैं अगली जब पार्ट लेकर के आऊंगा, संयोजकता पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, तो उसमें मैं आपको इसके आगे के प्रकार को बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।